लाइन में नीचे ये तिरंगा झंडा जो कापोल लाइन के साथ लाइन में खड़े हो जाए और स्टेज पर भीड़ लियो। सारे साथियों से अपील है कि आने के बाद स्टेज से नीचे चले जाए ताकि हो और साथी को बोलने का मौका सही से मिल जाए। इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, भाई जय प्रकाश जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, भाई जय प्रकाश जपी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हेलो नवीन सरपंच जी, भाई व्यवस्था बनाए बच्चों साइड वाले साइड में, इस साइड आए प्रधान जी, नवीन सरपंच से वो गांव में बहुत ही आदरणीय हमारे प्रधान जी हिसार लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी बीजेपी का गांव डीपा बंदरा पर पहुंचने पर मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से प्रधान जी का तय दिल से स्वागत करता हूं। फूल मालाओं से ताड़ियां बजाकर स्वागत किया जाए प्रधान जी का। प्रधान जी गांव की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ कि गांव की तरफ से हमारे चंदेना चौक में जो प्रोग्राम हो रहा है रिकॉर्ड तोड़ प्रोग्राम है और आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रधान जी समय का अनुसार देखते हुए आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। कुंभड़ गांव के सम्मानित बुजुर्गो नौजवान साथियों, घरों में जहाँ तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है, माता और बहनों प्यारे बुजुर्ग साथियों, आज तो मैं और मेरे साथी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आए, क्योंकि इस देश के पूंजीपति के पैसे से चलने वाली अखबार और सरकार इस देश का संविधान बदलना चाहती थी, इस देश में प्रजातंत्र खत्म करना चाहती थी, तो इसलिए सारे देश की विपक्षी पार्टियों ने जिसमें आम आदमी पार्टी सीपीएम सीपीआई कांग्रेस सब ने निर्णय लिया कि हम इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ें और इस लड़ाई में आज सुबह से ही एक सेकंड ले लेंगे, एक सेकंड। आज उस लड़ाई में जिस गांव में भी हम जाते हैं बहुत 100% लोग, चाहे वो लोकदल में है चाहे जेजेपी में है चाहे बीजेपी में, हर कोई ये कहता है कि हम इस लड़ाई में आपके साथ। तो कुंभड़ गांव के लोगों का भी दूध भी पिलाया मेरे साथ, वो नौजवान बोला जी ये भी जेजेपी छोड़ा है ये लोकदल छोड़ा है। देखो दोस्तों, पार्टी में कोई नया नहीं होता कोई पुराना नहीं होता, जब बच्चा घर में जन्म लेता है घर का सदस्य बन जाता है, पार्टी में जब भी कोई आ जाता है तभी वो पार्टी का उतना सीनियर हो जाता है जितना जयप्रकाश,
और कुंगड़ गांव का तो इतिहास, जहां खेल और खिलाड़ी के साथ जुड़ा है कुंगड़ और बैनी का, वहां किसानी से भी जुड़ा है। यानी कि इस देश के दो वर्ग, एक देश का अन्नदाता किसान, एक देश का निर्माता मजदूर, सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्ष में अगर जुल्म हुआ है किसान पर, जवान पर, खिलाड़ी पर। जवानों की हालत क्या है? अग्निवीर योजना, कुंगड़ वालों मैंने न्यू बताओ, 4 साल में तो ट्रक का ड्राइवर कौन बनता, धातुदान कौन सीखा भगा भाई ने? इस पर हमने विचार करना पड़ेगा। जो देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, हम मानते ईमानदार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये जहाज चलाना है तो लाए तुम्हारे छोरे ने 4-4 साल में लागेंगे, बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी 3 बजे दनाना में आएंगे। मेरा सबसे अनुरोध है, पूरा विस्तार से तो मेरा काम वो चलावेंगे, वो भी मेरे लिए वोट मांगना आवेंगे। जे सारी थारती बता दूंगा तो कह दो जे पी कह ही नहीं गया था पेंशन मिलेगी ना, ये सारे हुड्डा साहब और उदयभान जी बताएंगे। मैं तो भाई देखो, एक फर्ज है मेरा, आज 2 उम्मीदवार हैं, जयप्रकाश का इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ रही है जनता, और एक छापेमार का रणजीत का चुनाव लड़ रही है भाजपा। अब फैसला लोगों ने करना है कि छापेमारों से बचाओगे या इन जो पहला रगड़ा ला नहीं लाओगे तो बताए बचाएंगे जी। देखो पहला मार गिरा के देख के फिर काम रोक दो। हमने चिरपी जताया था और ज्यादा वोटा ने जताओ, लेकिन कामरेड साहब एक काम कर दियो, संविधान ने हमें इख्तियार दे दिया, जो हमारा राइट वोट है, मत का अधिकार, 100% आप अपने मत का सदुपयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। जब नौजवानों में इतना जोश है, मेरा भी काम चल पड़ेगा सारी है, तो हम भी टोटल वोट गिर जाइ गिरओगे ना क्यों भाई जवानों? मैं काम चल गया, कई काम हम और जाना से 9 बजे फिर शहर के प्रोग्राम लग जाते हैं रात को। अब पगड़ी ले आओ, ले आओ, ले आओ। सही बात है ना? एक मिनट थोड़े पीछे जाओ, पीछे थोड़े पीछे और ऐसे आ जाओ। भाई किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे हम तो यहाँ, और पूरा 27 तारीख को रात को ये ग्राउंड ऐसा ही भर गया था किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन को।